गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 4, द स्केलेटल सिस्टम। स्टूडेंट, आज हम लेसन नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, द स्केलेटल सिस्टम। व्हाट इज अ स्केलेटल सिस्टम? आपको पता ही है कि स्केलेटल सिस्टम मतलब क्या होता है। ये जो सिस्टम दिखाई दे रहा है, जो पूरी बोन्स है, बोन्स का जो स्ट्रक्चर या ढांचा हमें दिखाई दे रहा है, इसे हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, मतलब स्केलेटन कहते हैं इसे, ठीक है। यहाँ जो आपके बॉडी के जो पूरे पार्ट्स है वो सभी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये बोन्स है पूरी, है ना। ये हाथ में आपकी हाथ की जो हड्डियां है वो दिख रही है, पैर की, चेस्ट की, सभी जो हड्डियां दिख रही है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, जो ढांचा होता है, इसे स्केलेटन कहा जाता है। सो स्टूडेंट, इस लेसन में हम यही पढ़ने वाले हैं कि स्केलेटन मीन्स क्या, ये कैसे बनता है, कौन सी, मतलब कितनी बोन्स इसमें यूज होती है, और अलग अलग टाइप्स की जो बोन्स होती है उनके क्या नेम्स होते हैं, एंड मसल्स कैसे होती है, बोन्स एंड मसल्स कैसे कनेक्ट होते हैं, इन सब के बारे में इस लेसन में हमें पढ़ना है। सो वी नो दैट देयर आर 206 बोन्स इन अवर स्केलेटल सिस्टम। स्टूडेंट, हमारे पूरे स्केलेटल सिस्टम में, ये जो स्केलेटल सिस्टम है हमारा पूरा, इसमें टोटल 206 बोन्स होती है। पैर से लेके सर तक पूरी जो बोन्स हम यदि काउंट करें तो हमारी 206 बोन्स होती है। सो ऑल दीज बोन्स टूगेदर परफॉर्म मेनी फंक्शंस एंड मूवमेंट। ये पूरी जो बोन्स होती है एक साथ मिलकर जो वर्क करती है, ठीक है, वर्क एंड मूवमेंट करती है। बट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हेल्प्स द स्केलेटल सिस्टम टू मेक सच मूवमेंट्स? आपको पता है कि ये जो हमारे बॉडी में जो हम लोग मूवमेंट्स करते हैं, घूमना फिरना, नीचे मतलब बेंड करना या फिर कूदना दौड़ना, ये सभी जो मूवमेंट्स होते हैं, ये सभी जो एक्टिविटी होती है, तो किसकी हेल्प से करते हैं हम लोग? इस स्केलेटल सिस्टम की हेल्प से। हाउ आर वी एबल टू बेंड और एल्बो एंड नी? What does our skeletal system consist of? In this chapter, we are going to learn about the construction of the skeletal system and much more. Student, क्या आपको पता है कि हमारे जो elbow and knee ये जो होता है, यही bend होता है। Bend होता है मतलब ऐसा झुकता है, ठीक है। हमारे हाथ को हम लोग ऐसे बेंड करते हैं, झुकाते हैं, फिर से सीधा कर लेते हैं, जबकि जो हमारा नी होता है ना, हम लोग कभी मतलब घुटने टेक कर बैठते हैं, खड़े होते हैं, तो ये जो पार्ट होता है एल्बो एंड नी का, यही जो होता है ये बेंड होता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज हियर अवर स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, आर स्केलेटल स्केलेटन। अब स्केलेटन मीन्स क्या? ओके, स्केलेटन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब स्केलेटल सिस्टम हमने बहुत बार सुना है, स्केलेटल सिस्टम ऐसा होता है वैसा होता है, हमने बहुत बार देखा भी है। अब उसे डिटेल में पढ़ना है कि स्केलेटल सिस्टम कैसा होता है, वो किन से मिलकर बना होता है, कौन सी बोन्स उसमें यूज होती है। फर्स्ट इज आर स्केलेटन, देयर आर 206 बोन्स इन अवर बॉडी दैट आर कनेक्टेड टूगेदर अ फॉर्म अ फ्रेमवर्क। यहाँ जो पूरी 206 बोन्स होती है वो पूरी फ्रेमवर्क में, मतलब एक ढांचे में पूरी टुगेदर एक साथ कनेक्टेड होती है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। जैसे किसी का मतलब कोई एक स्ट्रक्चर देखा होगा, ढांचा आपने, कि जिसमें पूरी वायरिंग एक साथ कनेक्ट होती है, वैसे ही ये जो हमारी बोन्स होती है ये भी पूरी फ्रेमवर्क में, जो हमारा पूरा बॉडी का फ्रेम होता है उसमें ये कनेक्ट होती है। फ्रॉम अ फ्रेमवर्क कॉल्ड स्केलेटन, इसे ही स्केलेटन कहा जाता है। स्केलेटन किसे कहेंगे हम लोग? कि देयर आर 206 बोन्स इन अवर बॉडी दैट आर बोन्स दैट आर कनेक्टेड टूगेदर टू फॉर्म अ फ्रेमवर्क कॉल्ड स्केलेटन। जिसमें पूरी बोन्स एक दूसरे के साथ एक फ्रेमवर्क में अटैच होती है, उसे स्केलेटन कहा जाता है। दिस फ्रेमवर्क इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स एंड प्रोवाइड सपोर्ट स्ट्रेंथ एंड शेप्स टू अवर बॉडी द वेरियस फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। जो ये स्केलेटन होता है, ये क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स कौन से होते हैं हमारी बॉडी के, जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं वो पूरे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। इन इंटरनल ऑर्गन्स को ये जो फ्रेमवर्क होता है, ये जो स्केलेटन होता है, ये प्रोटेक्ट करता है। जैसे मान लो हम गिर भी गए तो क्या डायरेक्ट हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है, जैसे हमारा हार्ट हो गया, हमारे किडनी हो गई, लीवर हो गया, तो ये इनको क्या डायरेक्ट डैमेज करते हैं क्या? नो, ये डायरेक्ट डैमेज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनको कौन प्रोटेक्ट करता है? स्केलेटन प्रोटेक्ट करता है। ये जो स्केलेटन होता है वो इसे प्रोटेक्शन देता है। इट प्रोवाइड शेप टू आवर बॉडी। ये जो स्केलेटन होता है, ये फर्स्ट जो वर्क होता है इसका क्या होता है? इट प्रोवाइड शेप और बॉडी। ये क्या करता है? हमारे बॉडी को एक पर्टिकुलर शेप देता है। हमारी जो बॉडी होती है उसे एक शेप में पर्टिकुलर शेप देता है। सेकेंड पॉइंट इज हियर, इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेट
स्ट्रेंथ टू आवर बॉडी, हमारे बॉडी को ये सपोर्ट करता है और हमारे बॉडी को ये मतलब सपोर्ट करता है, चलना फिरना घूमना दौड़ना हर चीज के लिए हमारे बॉडी को ये सपोर्ट करता है। थर्ड पॉइंट इज योर, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हार्ट ब्रेन एटसेट्रा ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, तो इन सबको प्रोटेक्ट करने का वर्क कौन करता है? स्केलेटन। इट कंटेन्स अ फैटी सब्सटेंस कॉल्ड बोन मैरो विच फॉर्म ब्लड। जो इसमें मतलब एक फैटी सब्सटेंस, ओके, फैटी मतलब फैट वाला सब्सटेंस, ठीक है, फैट है ना हमारे बॉडी के अंदर जो क्या बोलेंगे उसको, चर्बी, उसे फैट कहा जाता है, ठीक है। तो बोन मैरो किसे कहते हैं कि ये जो फैटी सब्सटेंस होता है जो हमारे स्केलेटन में, तो उसे बोन मैरो कहा जाता है। विच फॉर्म ब्लड, ये कहाँ होता है बोन मैरो? हमारे ब्लड में। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज योर, पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। अब स्केलेटल सिस्टम के क्या पार्ट्स होते हैं, हमें तो फर्स्ट पता चल गया कि ये स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है, ये पूरा स्केलेटल सिस्टम है, ये 206 बोन से मिलकर बना होता है। यह स्केलेटल हमारी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, शेप प्रोवाइड करता है, हमारे बॉडी को मतलब मजबूत करता है, ठीक है, हमारे इंटरनल ऑर्गन को सेफ रखता है। ये तो इसके पूरे वर्क हो गए, ठीक है। अब देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम के, स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। और स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द स्कल, स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द स्कल, द बैकबोन, द रिबकेज, टू पेयर ऑफ लिम्स एंड द गर्डिल्स। ये जो इतने पार्ट्स होते हैं ये होते हैं स्केलेटल सिस्टम के, ये जो ऑफ द स्कल, स्कल पता है सभी को, ठीक है, अपनी जो ये ऊपर वाला जो जिसके बाल जिसके ऊपर होते हैं उसके नीचे का जो पार्ट होता है वो हमारा स्कल होता है। फिर बैकबोन पता है कि जो पीछे वाली जो हड्डी होती है जिसके मतलब हेल्प से हम लोग उठते हैं, बैठते हैं, झुकते हैं, है ना, तो ये हमारी बैकबोन होती है। रिबकेज, रिबकेज मतलब हमारे चेस्ट में, हमारे फेफड़ों में जो पूरी हड्डियाँ होती है वो हमारी रिबकेज होती है। एंड टू पेयर ऑफ लिम्स मतलब जो हमारे पेयर होते हैं, टू पेयर ऑफ लिम्स मतलब जो दो पेयर होते हैं वो पेयर, एंड गर्डिल्स, ये पूरे इसके स्केलेटल सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग एक एक सिस्टम के, आपने नाम तो यहाँ देख लिए, बट हम लोग अभी एक एक सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे कि स्कल मतलब क्या, बैकबोन यानी क्या, ये सब कहाँ के पार्ट है, हमारे पूरे बॉडी के ऊपर के। हमारी बॉडी तो हम लोग पता है सभी लोगों को अपनी बॉडी प्यारी होती है, सब लोग अपने बॉडी को बहुत पसंद करते हैं, है ना, हमको बाहर से हाथ दिखता है, मुंह दिखता है, पैर दिखते हैं, ये पूरे पार्ट्स दिखते हैं, बट हमारे, हमें पता है कि हमारे बॉडी के अंदर ये मतलब किससे मिलकर बने हैं या कौन सा पार्ट हमारे बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करता है, ये सभी हमें यहाँ पढ़ना है। तो फर्स्ट पॉइंट इज हियर स्कल। अब स्कल मतलब क्या, यह स्कल कहाँ होता है, है ना, ये सब इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट इज स्कल, आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको देखते ही आपको थोड़ा डर भी लगा होगा कि ये क्या दिखा दिया टीचर ने। ये जो स्कल होता है तो ये क्या है, हमारा पूरा फेस है ना, अपना फेस, क्योंकि हमारी ये आंखें हो गई, ये नोज है, ये टीथ है, ये हमारा माउथ है, ये ऊपर का पूरा हमारी मतलब सर वाला भाग है ना, ये पूरा जो स्कल है ये हमारा क्या है, स्कल कहते हैं। इस पूरे पार्ट को हम लोग कहेंगे स्कल। तो ये इसको देख के आपको डर लगा होगा, पर ये अभी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, हमारा मुंह या नहीं यही है, है ना। जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद यदि उसको उसका उसकी जो पूरी जो अंदर के जो पार्ट होंगे वो ऐसा दिखाई देता है। द स्कल इज मेड अप ऑफ 21 फिक्स बोन एंड द लोअर जॉ। हमारे जो स्कल होता है वो मेड अप 21 फिक्स बोन्स, कितनी बोन्स होती है हमारे स्कल में, ये जो पूरा पार्ट ये दिख रहा है इसमें कितनी बोन्स होती है, 21, कितनी बोन्स होती है, 21 फिक्स बोन्स होती है, ये जो पूरी 21 बोन्स होती है और एक दूसरे के साथ ये पूरी फिक्स होती है। एंड द लोअर जॉ, यहाँ दो जॉ होते हैं, एक अपर जॉ होता है एंड लोअर जॉ होता है। अपर जॉ मतलब नीचे का पार्ट, एंड अपर जॉ मतलब ऊपर का पार्ट, एंड लोअर जॉ मतलब नीचे का पार्ट, तो ये दो इसमें जॉ होते हैं। द 8 फ्लैट बोन्स इंटरलॉक टूगेदर इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द डेलिकेट ब्रेन इनसाइड। तो क्या होता है कि ये जो पूरी लोअर जॉ अपर जॉ दो पार्ट्स होते हैं, उसके बाद द 8 बोन्स, 8 जो बोन्स होती है हमारे बॉडी के अंदर की, 8 बोन्स मतलब हड्डियाँ, 8 बोन जो होते हैं वो आपस में इंटरलॉक यानी जुड़ी हुई होती है एक साथ, और ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। जो यहाँ जो 8 जो बोन्स होती है ये पूरी आपस में इंटरलॉक होती है और ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। जैसे हम लोग गिर गए, सर के बल यदि गिरते हैं, कुछ होता है तो हमारे ऊपर के स्कल को लगता है, अंदर वाले पार्ट को डैमेज होता है क्या? नहीं, अंदर का जो पार्ट होता है बोन्स का वो डैमेज नहीं होता। फिर नेक्स्ट,
द फेशियल रीजन हैज़ 14 बोन्स। जो ये फेशियल रीजन, ये जो गाल से लेके मुंह तक का पूरा पार्ट्स होता है, इसमें टोटल 14 बोन्स होती है। कितनी बोन्स होती है? 14। ठीक है, 14 बोन्स कहाँ होती है? ये गाल, ये मुंह, नाक, ये जो पूरा फेशियल वाला पार्ट्स होता है, इसमें पूरी 14 बोन्स होती है, मतलब 14 हड्डियाँ होती है। द लोअर जॉ इज द ओनली मूवेबल जॉइंट। ओके, जो ये लोअर जॉ होता है यही मूवेबल होता है। इट अनेबल अस टू टॉक एंड ईट। तो इनेबल मतलब ये क्या करता है कि ये जो लोअर जॉ होता है यही हमारा मूवेबल होता है, मतलब ऐसे उसको हमारा जो निचला पार्ट्स होता है, हमारे मुंह का जो एक पार्ट्स ऊपर की ओर होता है एक नीचे की ओर होता है, तो जो नीचे वाला जो ये पार्ट होता है इसको हम लोग खाना खाते समय इसी की हेल्प लेते हैं, किसी से टॉकिंग करना है तो यही पार्ट ऐसा ऊपर नीचे हिलता है, मतलब वो मूवेबल होता है, तभी तो अपने मुंह में से वर्ड निकलता है, हम लोग खाना खा पाते हैं। किसकी वजह से? लोअर जॉ की वजह से। अपर जॉ तो फिक्स होता है, देन लोअर जॉ ही मूवेबल होता है। फिर नेक्स्ट है बैकबोन। अब ये जो बैकबोन होती है यह हमारे बॉडी की सबसे मेन बोन होती है। यह आपको दिखाई दे रहा है एक पिक्चर, ऐसी एक शेप दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा स्ट्रेट है ना, थोड़ा झुका हुआ, तो ये क्या है? हमारा बैकबोन है। बैकबोन मतलब हमारी जो नीचे से लेके ऊपर तक हमारे ब्रेन तक, यहाँ तक जो पार्ट्स होता है ये पूरी हड्डी होती है। नीचे से लेके कमर स्किन, थोड़ा नीचे पार्ट से लेके ऊपर सर तक का ये जो पूरा पार्ट होता है इसे बैकबोन कहा जाता है। द बैकबोन इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्टिब्रल कॉलम। इसे क्या कहा जाता है? वर्टिब्रल कॉलम। किसे? बैकबोन को ही वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है। इट इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल रिंग्स। ये जो पूरी रिंग्स है ये आप काउंट करके देखना कि ये पूरी 33 रिंग्स होती है। कौन सी? ये जिससे मिलकर ये बैकबोन बनी है, वर्टिब्रल कॉलम। तो ये इसमें पूरी 33 बोन्स के पेयर होते हैं। द स्कल इज अटैच टू द बैकबोन। अपना जो ये स्कल होता है किसके साथ अटैच होता है? बैकबोन के साथ। ये जो बैकबोन है यहाँ से हमारा स्कल अटैच होता है, इसलिए मान लो कभी हमें बैकबोन में यदि दर्द होता है तो हमारे ब्रेन में भी हमें थोड़ा फील होता है कि नहीं, हमारे ब्रेन में दर्द हो रहा है या हमको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। किसकी वजह से? बैकबोन की वजह से। द स्कल इज अटैच टू द बैकबोन। इट प्रोटेक्ट द डिलिकेट स्पाइनल कॉर्ड। ये किसे प्रोटेक्ट करता है? स्पाइनल कॉर्ड को। ये स्पाइनल कॉर्ड जो होता है हमारे बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है अपने बॉडी के अंदर का, तो ये किसे प्रोटेक्ट करता है? स्पाइनल कॉर्ड को। आउट ऑफ 33 वर्टिब्रे द फर्स्ट 7 आर प्रेजेंट इन द नेक रीजन। ये जो पूरी 33 वर्टिब्रे होती है, ये जो यहाँ से आता है जो आपको दिखाई दे रहा है एक एक पार्ट, तो ये क्या है? वर्टिब्रे। इसे क्या कहते हैं? वर्टिब्रे। तो इसमें से 7 वर्टिब्रे जो होती है ये नेक रीजन, मतलब अपनी जो गर्दन होती है ना, गले वाला जो पार्ट होता है, तो गले वाले पार्ट में, ठीक है, ये जो गले वाला जो पार्ट है, इस गले वाले पार्ट में टोटल कितनी बोन्स होती है? 7। गले से लेके ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है हमारा शोल्डर से लेके हमारे चेस्ट से लेके मुंह तक का जो पार्ट होता है वो गले वाला पार्ट होता है, तो इस गले वाले पार्ट में टोटल 7 बोन्स होती है। कितनी बोन्स होती है? 7। 33 में से 7 बोन्स तो यहाँ पर यूज हो गई है। ठीक है, ये हो गई वर्टिब्रे बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम। या आपको ये हमारे मतलब बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यदि इसमें थोड़ा सा भी डैमेज यदि आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उसकी वजह से हमारा उठना बैठना घूमना फिरना पूरा टोटल बंद हो जाता है। इसीलिए हम लोग अभी सब कहते हैं कि योगा कीजिए, योगा करने से हमारी सेहत अच्छी रहती है। तो योगा करने से क्या होता है, हमारी ये जो बैकबोन है ये पूरी फ्लेक्सिबल होती है, यानी उसमें एकदम ऐसी कड़क नहीं होती, और ये यदि बैकबोन फ्लेक्सिबल रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे, इजीली हम लोग दौड़ेंगे कूदेंगे गिरेंगे फिर भी हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टूडेंट्स, आपने बहुत बार देखा होगा कि जो बड़े लोग होते हैं आपके घर के, दादा दादी नाना नानी मम्मी पापा, ऐसे कुछ, तो कभी कभी क्या होता है, मान लो यदि वो सडनली कहीं से गिर गए या कुछ स्लिप हो गए, तो मतलब उनको प्रॉब्लम आ जाता है, कभी गले में प्रॉब्लम आता है, कभी पीठ में प्रॉब्लम आता है, फिर वो बेल्ट लगाते हैं। तो ये सब क्यों होता है? ये जो हमारी जो बैकबोन जो होती है इसकी यदि एक भी हड्डी यदि थोड़ी सी डैमेज यदि हो जाए तो हम मतलब हिलना डुलना या इधर उधर देखना कुछ भी नहीं कर सकते और पूरा दर्द होना चालू हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर अमेजिंग फैक्ट है, योर बोन्स कंसिस्ट ऑफ 50% वाटर एंड 50% सॉलिड मैटर। हमारी जो बोन्स होती है उसमें 50% वाटर होता है और 50% सॉलिड मैटर होता है, उससे मिलकर बनी होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज द रिब्स। ओके, स्कल हो गया, बैकबोन हो गया, नेक्स्ट है रिब्स। अब रिब्स मतलब क्या, ये आपको दिखाई दे रहा है रिब्स, ठीक है, ये पूरी रिब्स है और ये ऐसे पिंजरे के जैसे दिख रही है, मतलब इसे हम लोग रिब कैच कहते हैं। देयर आर 12 पेयर ऑफ बो शेप रिब्स।
These are connected to the vertebral column to form a cage. This cage encloses and protect the heart and the lungs. ये हमारे हार्ट में होती है, मतलब हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है रिबकेज। जैसे आपको चेस्ट में देखना कि बहुत बार आपको ऐसे हड्डियाँ हड्डियाँ दिखाई देती है ये चेस्ट वाले पूरे पार्ट में, तो वो जो हड्डियाँ दिखती है उसके पूरे 12 पेयर होते हैं। 12 पेयर मतलब 24 बोन्स, है ना। 12 पेयर मतलब कितने बोन्स हो गए, 24। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंट करना, तो इधर आपको 12 दिखेगी और उस साइड में 12 दिखेगी। आपके चेस्ट में भी कभी ऑब्जर्व करके देखना आप लोग कि ये बोन्स हमें दिखाई देती है। और ये बोन्स जो होती है वो हमारे लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। मान लो हम लोग कभी खेलते हैं, दौड़ते हैं, तो दौड़ते दौड़ते गिर जाते हैं। गिरने पर क्या होता है कि हम लोग जैसे गिर गए नीचे, तो हमारा चेस्ट वाला पोर्शन होता है वहाँ हमें लगता है, तो क्या डायरेक्ट हमारे जो अंदर वाला पार्ट होता है हार्ट को लग जाता है क्या कि हम लोग गिर गए और हमारे हार्ट को, हार्ट में से खून निकल रहा है, ऐसा होता है क्या? नो, ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे कौन प्रोटेक्ट करता है? ये रिबकेज। और ये पार्ट बहुत हार्ड होता है, तो यदि हम गिरते भी है तो किसे लगता है? रिबकेज को। तो ये रिबकेज को लगने पर हमें ज़्यादा दर्द नहीं होता क्योंकि ये हार्ड शेप होता है। 10 ऑफ दिस रिब पेयर्स आर कनेक्टेड टू द ब्रिस्ट बोन कॉल्ड द स्ट्रेनम। इसमें से 10 ब्रेन जो होती है वो हमारे ब्रिस्ट को कनेक्ट होती है। द लोएस्ट टू पेयर जॉइन ओनली टू द बैकबोन। इसके जो निचले जो दो लोएस्ट पेयर होते हैं वो बैकबोन को अटैच होते हैं, आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब। जो निचले टू लोएस्ट पेयर के जो बोन्स होती है वो किसके साथ कनेक्ट होती है? बैकबोन के साथ। ये जो बैकबोन दिखाई दे रही है इसके साथ, तो इसे कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। क्या कहेंगे उसे? फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ ही गया होगा रिबकेज। और आपको अभी समझा होगा कि हमारे हार्ट में जो हमको हड्डियाँ हड्डियाँ दिखाई देती है हमारे चेस्ट में, तो वो सभी हड्डियाँ क्या है? रिबकेज। अभी हम लोग हड्डियाँ कहेंगे क्या उसे? नो, अभी हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं। हमें समझ में आ गया कि जो हमें हड्डियाँ दिखती है उसे हम लोग कहेंगे रिब्स और एक उसे रिबकेज कहेंगे। नेक्स्ट है लिम्ब्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज हियर द लिम्ब्स। और आर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड फोर लिम्ब्स। दे हैव थ्री बोन्स, यूमरस इन अपर आर्म एंड रेडियस एंड अल्ना इन लोअर आर्म। हमारे लिम्ब्स मतलब और आर्म ऑल्सो कॉल्ड फोर लिम्ब्स। फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब, ऐसे दो लिम्ब्स होती है। फोर लिम्ब मतलब जो हाथ की जो हड्डियाँ होती है उसे फोर लिम्ब्स कहा जाता है। ठीक है, हाथ की हड्डियाँ जो होती है वो फोर लिम्ब्स कहा जाता है। तो फोर लिम्ब्स में दे हैव थ्री बोन्स। थ्री बोन्स कौन से थे? ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका हाथ वाला पोर्शन है, सभी के पास हाथ होता है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन होता है वो ह्यूमरस है, ये जो पोर्शन है वो अल्ना है, और ये नीचे का जो पोर्शन है ये रेडियस होता है। ये अपने हाथ को ऑब्जर्व करके देखना कि आपके हाथ में ये थ्री बोन्स दिखाई देती है क्या? एस दिखाई देती है। ये जो शोल्डर से लेके यहाँ नी तक एल्बो तक का पार्ट्स होता है ह्यूमरस, फिर एल्बो के नीचे वाला पार्ट अल्ना एंड मतलब वो एल्बो के नीचे दो बोन्स होती है रेडियस एंड अल्ना। ये दो बोन्स होती है रेडियस और अल्ना, ये तीनों बोन्स से मिलकर हमारा फोर लिम्ब्स बनता है, मतलब हमारा हाथ बनता है। द रिस्ट एंड हैंड्स आर मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स। जो हमारी रिस्ट और हैंड्स यानी हमारा जो ये हाथ होता है ना, ये पोर्शन दिख रहा है अपना हाथ, तो ये छोटी छोटी बहुत सारी बोन्स से मिलकर बना होता है। द लेग्स और द हिंड लिम्ब्स। अब जो देखो हाथ वाला जो पोर्शन होता है उसे फोर लिम्ब्स कहा जाता है, और पैर वाला जो पोर्शन होता है उसे हिंड लिम्ब्स कहा जाता है। फीमर हिंड लिम्ब्स कहा जाता है। हैव थ्री बोन्स, फीमर इन अपर लेग एंड टीबिया एंड फेबुला इन लोअर लेग। यहाँ पर भी थ्री बोन्स होती है। फर्स्ट इज फीमर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बोन्स होती है इसे फीमर कहा जाता है, और ये नीचे यहाँ पर जो दो बोन्स होती है इसे टीबिया और फेबुला कहा जाता है। टीबिया एंड फेबुला कहा जाता है। फीमर बियर्स द वेट ऑफ द होल बॉडी, इट इज द लॉन्गेस्ट बोन फाउंड इन आवर बॉडी। अपने बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? फीमर। ये जो फीमर दिख रही है ये बोन्स अपने बॉडी में, पूरे बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट बोन जो होती है वो होती है फीमर। इट इज द लॉन्गेस्ट बोन फाउंड इन आवर बॉडी। द एंकल एंड टोज हैव मेनी स्मॉल बोन्स। और जो ये नीचे का जो पार्ट्स होता है एंकल, ये एंकल और ये पूरी टोज, तो ये छोटे छोटे बहुत सारी बोन्स से मिलकर बनी होती है। ये हो गया स्टूडेंट लिम्ब्स, है ना। हाथ का जो पोर्शन होता है उसे फोर लिम्ब्स, और पैर का होता है उसे हिंड लिम्ब्स कहा जाता है। हाथ वाले पोर्शन में थ्री बोन्स होती है ह्यूमरस, अल्ना एंड रेडियस, एंड पैर में फीमर, टिबिया एंड फिबुला, ये पूरी ऐसी पैर की होती है, इसे हिंड लिम्ब्स कहा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि पैर वाले पोर्शन में कौन सी बोन्स होती है और हाथ वाले पोर्शन में कौन सी बोन्स होती है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है यहाँ का गर्डिल्स। द लिम्ब्स आर कनेक्टेड टू द गर्डिल्स। द फोर लिम्ब्स आर अटैच्ड टू द प्रोटेक्टर गर्डिल एंड द हिंड लिम्ब्स आर अटैच्ड टू द पेल्विक गर्डिल। ओके, पेक्टोरल गर्डिल एंड पेल्विक गर्डिल, ऐसी दो गर्डिल्स होती है जिसके साथ ये लिम्ब्स कनेक्ट होते हैं। ये हो गया स्टूडेंट
आज का अपना एक्सप्लेनेशन यहीं तक है। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग जॉइंट एंड लिगामेंट्स को पढ़ेंगे। तो आपको इसमें से क्या करना है कि हार्डवर्ड जो है उसे फाइंड करके अपने कॉपी में लिखना है। लेसन का नाम डालोगे, देन हार्डवर्ड फाइंड करके कॉपी में लिखोगे। इसी के साथ ही अपना ये लेसन पूरा फिनिश हो गया। थैंक यू।